जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं होंडा का एकदम जानदार प्रोडक्ट, जी हाँ दोस्तों, जो है एक्टिवा का स्पेशल एडिशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिलने वाली है आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसके लुक और डिज़ाइन से। जी हाँ दोस्तों, मेन चीज़ है इसका लुक और डिज़ाइन, जो कि भाई कंपनी ने कर दिया है पूरा चेंज। तो आप देख सकते हैं भाई इसमें जो ग्राफिक्स दिए गए हैं बिल्कुल अलग दिए गए हैं, और कोशिश ये की गई है कि जो फीलिंग है वो कस्टमर को जो है प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर मिल जाते हैं सबसे पहले अलॉय व्हील्स, दूसरी चीज़ क्रोम की मिल जाते हैं भाई। टचअप सामने देखेंगे तो भाई ये जो क्रोम का टचअप है ना, ये देखने में यार काफ़ी कूल लग रहा है, और एकदम जो है क्लासिक डिज़ाइन जो है बनाया गया है। तो दोस्तों चूंकि नवरात्रे आ गए हैं और साथ ही साथ भाई दिवाली पास में ही है, इसलिए कंपनी दे रही है काफ़ी सारे ऑफर्स, जहां पर आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, वहां से चांदी का सिक्का वगैरह, फ्रिज, कूलर, टीवी, एलसीडी वगैरह, जो है काफ़ी सारे इनाम भी आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं बाद में उसको सब एड्रेस वगैरह सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी करना है। दोस्तों यार वीडियो तो देखते हैं यार, आप लाइक नहीं करते तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी है तो भाई हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये है इसका क्लासिक डिज़ाइन, जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पर पीछे की तरफ भी देखेंगे ना आप, तो यहाँ पर भी आपको जो है काफ़ी बढ़िया जो डिज़ाइन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ से देखिए तो काफ़ी क्लासिक डिज़ाइन जो है देखने में ये लग रहा है। और दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप ये देखेंगे जो इंडिकेटर्स हैं तो वो हैलोजन दिए गए हैं, लेकिन जो हेड लैंप है वो आपको एलईडी वाला मिलने वाला है। और दोस्तों ये है कि परमानेंट ऑन ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल जितने भी व्हीकल आ रहे हैं उनमें जो है लाइट्स परमानेंट ऑन रहती है, तो यहाँ पर भी ये जो लाइट्स है परमानेंट ऑन रहने वाली है। VS6 फेज 2 ये मॉडल है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बात कर लेते भाई इसके इंजन की, तो 109 cc का इंजन मिलने वाला है, जिसका वेट है 106 kg का। भाई बात कर लेते हैं इसके माइलेज वगैरह क्या रहेगा, तो माइलेज जो पहले था उससे 10% और भी इंक्रीज कर दिया गया है। आपने देखा होगा भाई जो है आपको 50-55 का जो है एवरेज मिल रहा होगा, तो भाई 10% और उसमें इंक्रीज आप मान सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भाई स्पीडोमीटर मिलने वाला है, वो इंस्ट्रूमेंट का जो कंसोल है वो एनालॉग आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि भाई पहले जैसा ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। और FGM-FI टेक्नोलॉजी का इसमें यहाँ पर यूज़ किया गया है। दोस्तों आप देखेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है, तो भाई 80 से 85 के अराउंड जो है टॉप इसकी स्पीड है, काफ़ी अच्छा चल जाता है भाई, और हर घर की ज़रूरत है भाई ये एक्टिवा। दोस्तों इसके लेफ्ट हैंड पर देखेंगे तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में मिल जाते हैं भाई इंडिकेटर्स के ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं, और हॉर्न जो है काफ़ी बढ़िया है। बात कर लेते हैं भाई इसके राइट साइड में क्या है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टार्ट ऑन का जो है बटन का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और जहाँ पर कीज लगती है वहाँ पर भाई मल्टी फंक्शनल स्विच जो है देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं और भाई अपनी जो सीट है वहाँ वो भी ओपन कर सकते हैं। जो कीज़ है वो हल्की सी आपको जो है इसको घुमाना पड़ता है। तो मैं दोस्तों एक बार आपको दिखाऊंगा भी कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि भाई फ्यूल लिड ओपन करके तो फ्यूल लिड कैसे ओपन होगी। तो भाई इसकी खास बात मुझे यही अच्छी लगती है कि फ्यूल लिड जो है आप बैठे रहिए और फ्यूल लिड जो है आपको पीछे की तरफ भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बट दोस्तों जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, लेकिन मीटर का ध्यान आपको रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप भले ही ना उतरे तो आपको ये भी देखना है कि प्रॉपर पेट्रोल जो है भरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि कई बार ये हो चुका है ऐसा। अब दोस्तों ऐसे ही आप इसको ऑन करेंगे सीट को, तो यहाँ पर भाई 18 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है, और भाई सभी को पता है यहाँ पर बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलता है। लोग जितने भी भाई इसको लेते हैं, जो कुछ भी सामान है भाई नीचे दाब के ऊपर बैठ जाते हैं। तो भाई ये इसकी खूबसूरत बात है भाई, 109 cc का जो इस तरह का इंजन मिलने वाला है। और सीट हाइट की बात करूं तो 692 mm की सीट हाइट इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, 162 का इसमें देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल इसकी अगर लेंथ की बात करूँ भाई तो 1833 के, और सीट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कम्फर्टेबल सीट है। और जो ग्रैब हैंडल है वो देखेंगे भाई सेम कलर ही रखा गया है, जैसे आपके स्कूटर का कलर है सेम वैसे ही ग्रैब हैंडल का कलर भी रखा गया है। और भाई काफ़ी बड़ा जो है ग्रैब हैंडल मुझे लग रहा है देखने में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों
बार बार जो है मेरी निगाह जाती रहती है इसके लुक और डिज़ाइन पर। तो भाई यहाँ पर जो है साइलेंट इंजन का जो है यहाँ पर ऑप्शन है, तो देख लेते हैं भाई किस तरीके से इसे साइलेंट रहता है। हमारा जो एक्टिवा है वो स्टार्ट हो चुका है, आप तो गाइज काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर जो पहले आवाज़ आती थी ना स्टार्ट करने पर, वो आवाज़ अब नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो कंपनी का कहना है कि वह यहाँ पर वही साइलेंट स्टार्ट विद ACG यहाँ पर दी गई है, यानी कि जब आप स्कूटर स्टार्ट करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। तो पहले आती थी कुछ आवाज़, वो लेकिन कंपनी की द्वारा जो है ठीक कर दी गई है, वो नहीं है इस स्पेशल एडिशन में। भाई 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। बात कर लेते हैं भाई इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर लगभग 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। मैक्सिमम पावर इसकी मिलने वाली है 7.73 BHP की, टॉर्क मिलने वाला है 8.90 Nm का, तो ये काफ़ी बढ़िया है। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो दोस्तों आपको पता ही है कि ऑटोमेटिक मिलता है और ट्रांसमिशन टाइप जो है वो CVT दिया गया है। गियर शिफ्टिंग की बात करें तो वह भी दोस्तों ऑटोमेटिक है, थ्रोटल के द्वारा ही आप यूज़ जो है करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी है। सिंगल सिलेंडर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बोर स्ट्रोक की बात करें तो 47x63 का जो है बोर स्ट्रोक देखने के लिए मिलेगा। एयर कूल्ड इंजन है और इसमें जो रिजर्व फ्यूल रखना पड़ेगा 1.3 लीटर के आसपास जो है दोस्तों आपको रखना पड़ेगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और जो लोग चला रहे हैं भाई उनके पास में उनको पता है कि भाई हाँ भाई एक्टिवा में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। रियर सस्पेंशन की बात करें तो 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने के लिए मिलेंगे। ब्रेक दोस्तों कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है जो कि भाई बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी कि ओवरऑल लेंथ कितनी है, तो 1833 की है। विद इसकी 697 mm की है। ओवरऑल जो इसकी हाइट है 1156 mm की, और व्हील बेस 1260 mm का रहने वाला है। चेसिस जो है अंडरबोन है। 3 ईयर की वारंटी मिलती है, 36,000 किलोमीटर या 3 ईयर जो भी पहले हो। तो भाई ये चीज़ें हैं, 12 वोल्ट की बैटरी मिलेगी 3H की। सीट स्टोरेज मैंने बता ही दिया 18 लीटर का है। अब मेन चीज़ आ रही है जिसका सबको इंतज़ार होगा कि भाई प्राइस तो बता दो। तो भाई इसमें जो स्टैंडर्ड आता है वो है भाई 80,824 का, और जो DLX आता है वो है 82,824 का। ये मैं बता रहा हूँ एक्स शोरूम प्राइस दोस्तों। तो दोस्तों जिस किसी को बाई करना है और मेरठ से हैं तो भाई मैंने एड्रेस दे दिया है, आप कॉल करके उनको पता कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर किक भी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ के साथ में किक का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस अगर आप शोरूम पर जाकर हमारे वीडियो भी दिखाएंगे तो आपको अलग से गिफ्ट तो मिलेगा ही, साथ साथ में जो भी ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर भी आपको मिलेंगे। ऑफर का मैंने सामने में लगा रहा हूँ भाई, ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ें भाई दी जा रही हैं इसकी खरीद फरोख्त करने पर। और ये भाई नवरात्रों पर बुकिंग के लिए और दिवाली बुकिंग के लिए भाई स्टार्ट हो चुका है मामला, और कुछ अपडेट आएगी तो दोस्तों मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।